यहाँ का उपाध्यक्ष, मेरा नाम है विजय कृष्ण नंदी, मैं दोबारा यहाँ पे उपाध्यक्ष बना हूँ। और इसके अलावा मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि बंगाली समिति दुर्गावाड़ी 170वां साल इस बार मना रही है। बहुत ही प्राचीन और पूर्वांचल का बहुत ही पुराना पूजा है। 11 तारीख को एक बहुत ही हमारे यहाँ बहुत ही मतलब उसको क्या बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट पूजा होता है, जो संधि पूजा होता है, जिसमें 108 कमल का फूल और 108 दिया जलाया जाता है, जो राम करते हैं पूजा। यहाँ पे आपको मालूम होगा कि रामलीला भी मनाया जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भी कुछ नहीं होता है, केवल गोरखपुर में रामलीला मनाया जाता है। तो मैं ये आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी मूर्ति के साथ राम का मिलन भी होता है। और जो संधि पूजा है, वो संधि पूजा के तत्पश्चात नवमी लग जाता है। संधि पूजा अष्टमी और नवमी के बीच होता है। इस बार भोर में सुबह 6:24 से 7:12 तक है। वो पूजा जो है सबसे माने राम जी ने पूजा किया था रावण को वध करने के लिए। इधर महिषासुर को वध करके दुर्गा जी जब आती हैं, राम ने रावण को वध करने के लिए ये पूजन को रखा, उसमें 108 कमल का फूल और 108 घी का दिया, जिसमें कि एक कमल का फूल गायब हो जाता है तो राम जी अपने आग का जो है दान करने जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है पूजन पूरा होता है। और पूरा कार्यक्रम मैंने हमारे यहाँ जो पूजा है वो 3 ही दिन का है। इस बार सुबह से लेके मैंने 11 तारीख को जो है मेन इम्पोर्टेंट पूजा है। अब बाकी जो हमारा जो विसर्जन का जो शोभा यात्रा निकलता है, उसमें बट घाट डिपो, बट घाट रामलीला कमेटी की तरफ से जो है राम मिलन होता है, उसके बाद हमारे यहाँ विसर्जन होता है। और फिर हम लोग एकादशी मनाते हैं। एकादशी में हमारा विजया सम्मेलन, जैसे होली सम्मेलन होता है उसी तरह विजया सम्मेलन हम लोग करते हैं। एक दूसरे के गले लगते हैं, बड़े गुरुजनों का पैर छूते हैं। और माता जी का जब प्राण विसर्जन हो जाता है उस समय सिंदूर खेला होता है, जो एक दूसरे सधवा को सिंदूर पहनाया जाता है और सिंदूर से मतलब होली के तरह रंग खेला जाता है। इसमें जो एक ढोल होता है, इस बार कितने ढोल वाले लोग आए? 4 ढाकी हमारे आते हैं बंगाल से, पुरोहित भी बंगाल के हैं। और हमारी सामग्री जो भी पूजन की होती है वो बनारस से आती है। इसके अलावा हमारा जो भोग बनने का जो जगह है, उसमें नए ईंटे के चूल्हे बनते हैं, लकड़ी के ऊपर सारा माँ का जो असल भोग है वो बनता है। उस असल भोग को हम लोग लंगर के भोग में मिला देते हैं, मिलाने के बाद उसको फिर हम लोग लोगों को खिलाते हैं। और ये मूर्ति स्थापना के साथ साथ इस प्रांगण में और क्या क्या प्रोग्राम होता है? कल्चरल प्रोग्राम है, एकादशी के दिन भी कल्चरल प्रोग्राम है, एक नाटक भी है नोटी बिनोदनी रामकृष्ण परमहंस के ऊपर, और दूसरा कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, दिन में भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं।